दोस्तों आपने सुना होगा कि लोग अपने पुराने सामान बेच देते हैं, टीवी बेच देते हैं, कार बेच देते हैं, अपना घर बेच देते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में लगे हुए पाकिस्तान के राजदूत जनरल सैयद मुस्तफ़ा अनवर ने अपनी पूरी की पूरी एम्बेसी ही बेच दी, वो भी औने पौने दामों पर। जी हाँ दोस्तों, यह सच है, पूरी दुनिया में किसी राजदूत द्वारा अपनी एम्बेसी को बेचने का यह पहला मामला है। असल में यह मामला 2001 का है, जिसकी पोल अब 2020 में जाकर खुली है। ये राजदूत पाकिस्तानी सेना का जनरल था, जिसे मुशर्रफ ने ही अपॉइंट किया था, जो खुद एक डिक्टेटर था। और ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के सेना के जनरल कैसे गरीब पाकिस्तानियों का शोषण करते हैं। अच्छा खासा कमाने के बाद अधिकतर विदेश जाकर सेटल हो जाते हैं या किसी मुल्क में जाकर राजदूत बन जाते हैं। दुनिया भर की मीडिया में इस खबर की चर्चा है। इससे पाकिस्तान को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के मुस्लिम बिरादर मुल्क अरब मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। पाकिस्तान की इस हरकत से इंडोनेशिया भी काफ़ी नाराज़ है। मज़े की बात तो यह है कि यह जनरल जिसने एम्बेसी बेची है, इसको मुख्य जिम्मा सौंपा था इंडोनेशिया में कश्मीर मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा उठाने के लिए। लेकिन जनरल साहब तो मज़े से एम्बेसी बेच के मस्ती से विदेश में सेटल हो गए।